नमस्कार, मेरा नाम जमुना लाल है और मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ ग्राम लाखिया में, जहाँ एक किसान ने अपने खेतों में नीम की पत्ती का घोल का छिड़काव किया था। आइए तो जानते हैं कि नीम की पत्ती का घोल का छिड़काव करने से उस किसान को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। दादा राम राम। मेरा नाम जमुना लाल है और मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम कोदर है और ग्राम लाखिया का मैं किसान हूँ। दादा, मैंने सुना है कि आपने अपने खेतों में नीम की पत्ती का घोल का छिड़काव किया है, तो नीम की पत्ती का घोल छिड़काव क्या है और ये आपने कहाँ से सीखा है? ये घोल खेतों में डाला है, ये नीम की पत्ती से तैयार किया जाता है और तैयार करके फिर इसको छिड़काव करते हैं। ये घोल बनाने के मेरे को जानकारी आशा संस्था से रतलाम से मिली और उससे उसी सलाह से मैंने घोल बनाया और घोल बना के अपने खेतों में छिड़काव किया। दादा, आपको जो नीम की पत्ती का घोल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? भैया, हमारे खेतों में दिन प्रति दिन ये कीड़ा ज़्यादा बढ़ता जा अनी थी, हमें ये नीम की पत्ती का घोल बना के खेत में छिड़काव किया। ये बाज़ार से जो दवा लाता है, ये दवा से महंगी पड़ती है और थोड़ा वातावरण में थोड़ा फर्क पड़ता है, इसके बाद ज़मीन भी ख़राब होती है और कीटाणु मरते नहीं हैं और नीम की पत्ती से कीटाणु जल्दी मर जाते हैं। एक दिन मुझे आजा संस्था से जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद हमने ये घोल बनाया और घोल बना के वो हमारे खेतों में छिड़काव किया। हाँ तो दादा, ये आपको नीम की पत्ती का घोल डालने से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए मुझे बताइएगा। यह मैंने ये दवाई बना के अपने खेतों में डाली, इससे कीटाणु अच्छे मरे और जिसके बाद क्या है कि आसानी से बना ली। आसानी से बनाने के बाद अपने चाटने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है और कीड़े रोग भी अच्छी तरह मर जाते हैं इससे, और इससे अच्छा फ़ायदा है। दादा, आपने मुझे बताया कि नीम के घोल से आपको बहुत सारे फ़ायदे हुए, तो आप अपने गांव के छोटे किसान भाइयों को और कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सभी किसान नीम की पत्ती का घोल बनाए और अपनी ज़मीन में छिड़काव करें तो वहीं छिड़काव से कीटाणु अच्छा मर जाए, जिसके बाद अपनी ज़मीन भी ख़राब नहीं होती है और आसानी से दवाई बन जाती है और कोई खर्चा नहीं लगता है। दादा, जो आपने नीम की पत्ती का घोल का जो लाभ और उपयोग बताए वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा संस्था की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।